वहाँ हमारे साथ मौजूद है अविनाश साबले, जो आज इस पूरे इवेंट के ब्रांड एम्बेसडर है। इनका नाम आज देश ही नहीं दुनिया भी जानती है, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का इन्होंने न सिर्फ एक नाम रोशन किया है, बल्कि गर्व से सीना चौड़ा कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक विजेता है अविनाश साबले, जिनको वसईवीरा महानगर पालिका ने आज इस इवेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ। हम इनसे बात करते हैं। अविनाश सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा मैराथन में, मतलब बहुत बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था। मतलब इतना अच्छा था कि सुबह से इतना अच्छा मौसम और इतने सारे एथलीट ने हिस्सा लिया, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ का आपने अनुभव बताया, अब आप अपने कॉमनवेल्थ गेम्स जहाँ पर आपने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, वहाँ का अनुभव बताइए। कितने चैलेंज थे आपके साथ, क्या क्या हुआ आपके साथ, और किस तरह से आपने वहाँ तक का सफ़र तय किया? देखो, मेरा 2017 से यहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ था। 2017 में मैं यहाँ पे ओपन में भागा था, मैं 21 के, तो तब कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट भी करूँगा। वसई विरार से आपने शुरुआत किया था? हाँ जी, वसई विरार में भागा था मैं 2017 में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो कॉमनवेल्थ का ये है, 17 के बाद मुझे मतलब 5 साल लग गए कि एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, तो कंटिन्यू मेहनत थी। और कंपटीशन में थोड़ा सा प्रेशर था कि हाँ कैसे होगा, क्योंकि कैनेडियन एथलीट से, तो उनके साथ कंपटीशन करना थोड़ा सा मतलब सभी मानते थे कि मेडल जीतना इतना आसान नहीं है, लेकिन तैयारी अच्छी थी तो मेडल जीता, तो बहुत अच्छा लगा। और आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स में भी और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। निश्चित ही आप भारतीय, हर भारतीय को आपके ऊपर गर्व है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसी चीज़ और जुड़ी हुई है कि आप महाराष्ट्रियन हैं, मराठी है, मराठी मानुस है, तो इस बारे में क्या कहेंगे, आपका होम टाउन कौन सा है बताइए? मैं महाराष्ट्र से, मतलब मेरा डिस्ट्रिक्ट बीड डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं बीड डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। तो मैं पहले से ही, मैं महाराष्ट्र में जब स्कूल में भी खेलता था जैसे जूनियर में, तो मुझे महाराष्ट्र ने बहुत सपोर्ट किया, तो एक अलग से ही आता है। जैसे मैं मैराथन भी महाराष्ट्र से यहाँ से स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छा लगा। और जब ऐसे इवेंट में मैराथन में आया जहाँ पे मैं भागा था, तो उसका तो और भी अच्छा लग रहा है। आखिरी सवाल, यंगस्टर को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? देखो, यंगस्टर को जैसे है, यंगस्टर का तो मतलब खेलों की तरफ जाओ, वो चाहे कोई भी खेल खेलो, लेकिन हमने खेलना चाहिए। और जितना हो सकता है हमने मतलब जो चीज़ें है नशा या इससे तो दूर रहना चाहिए। कोई भी गेम खेलो अपने तरफ से, हमें जो भी पसंद है उसमें खेलो, चाहे वो कोई भी गेम हो, लेकिन कुछ ना कुछ दिन में कम से कम 1 घंटा तो अपने फिटनेस के लिए दे दो, यही मेरा संदेश रहेगा। निश्चित ही देशवासी समय आपको काफ़ी बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल विजेता रहें। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।